हेलो दोस्तों, मैं सुजय कुमार अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आज आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार मज़ेदार सेशन लेकर के आते हैं, तो आज हम लोग फिर से आज नया सेशन लेकर के आए हैं और एक नया सेशन लेकर के आए हैं और वो सेशन का नाम है करंट अफेयर CA। मतलब कि करंट अफेयर का सीरीज चलेगा हम लोग का। हर मंथ का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा एक अभी पॉलिटी का एक सेशन चल रहा है 1000 क्वेश्चन का, तो अगर आपको वो देखना है तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो अभी तक उसमें हम लोगों ने 9 पार्ट बना लिया है, आप वहाँ देख सकते हैं जा कर के। आपके अगर आपके एग्ज़ाम में जो GK है, आपके एग्ज़ाम में GK मैथ इंग्लिश आता है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के हमारा। और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूले, GK अभी चल रहा है, टॉपिक वाइज GK चल रहे हैं, पॉलिटी सीरीज चल रहे हैं और भी मज़ेदार सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का जो ये आज सेशन है वो है करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर का है ये पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट वन है, तो पार्ट वन का मतलब क्या है दोस्त? तो पार्ट वन का मतलब है कि 1 से 15 अप्रैल तक, यानी ये जो अप्रैल 2020 है, अप्रैल 2020, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कब से कब तक, मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के जितने भी अप्रैल के करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट 2020 के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मंथली वाइज करंट अफेयर चालू होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को गवाए हुए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन कि हु स्टार्ट ऑपरेशन संजीवनी, यानी ऑपरेशन संजीवनी किसने शुरू की? तो एयरफोर्स ने की, किसने की? वायुसेना ने की, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन संजीवनी किसने शुरू किया? एयरफोर्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कि हु स्टार्ट मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान लॉन्च, मतलब कि मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान किसने शुरुआत की? तो डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये स्टार्ट की मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान, ठीक है दोस्तों। और इस जो करंट अफेयर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि हु स्टार्ट 5T प्लान, मतलब कि 5T प्लान कौन स्टार्ट किया? तो वो लद्दाख किया है। कौन किया है 5T प्लान योजना कौन स्टार्ट किया है? तो वो कि कौन किया है दोस्तों? लद्दाख किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच स्टेट लॉन्च्ड रक्षा सर्व ऐप, कि किस राज्य ने रक्षा सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो रक्षा सेवा ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने किया दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? अनसुईया UK। कौन है? अनसुईया UK। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच बैंक लॉन्च्ड बीमा पॉलिसी फॉर COVID-19, करा किस बैंक ने COVID-19 के लिए बीमा पॉलिसी शुरू की, ठीक है। तो बीमा पॉलिसी शुरू की किस COVID-19 के लिए, वो किसने बीमा पॉलिसी? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने की? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर इमरजेंसी फॉर COVID-19, करा के वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे जो COVID-19 के चलते अपने देश में इमरजेंसी की घोषणा की? तो वो थे जापान। सबसे पहले वो जो जापान थे वो इमरजेंसी की घोषणा की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अकॉर्डिंग टू CMII द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन रेट, करा के CMII के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति की दर का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि ये कब का वीडियो है, 1 से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर हैं 2020 के, तो ये उसी समय का है कि उस समय बेरोजगारी रेट थी 23% और 2019 में कितना था दोस्तों? 6.3%। ये किसके अनुसार? CMII के द्वारा। उसके बाद आते हैं कि विच कंपनी डोनेट $1 बिलियन फॉर COVID-19, करें कि कौन सी कंपनी है जो COVID-19 के लिए $1 बिलियन दान किया है? तो $1 बिलियन दान किया है इन्होंने, ट्विटर ने, जो जैक डॉर्सी इनके CEO हैं ट्विटर के। कौन है दोस्तों? जैक डॉर्सी। कहिएगा तो इस पर वीडियो एक बना दिया जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनी हैं उनके जितने भी CEO हैं इंपॉर्टेंट, उसको सब हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को बनाना होगा तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच मेडिसिन हैज़ नॉट स्टॉप फॉर अपील नरेंद्र मोदी टू डोनाल्ड ट्रंप, कह रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपील किया था कि उनको एक लगा था कि एक दवाई है जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वो कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही थी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा था कि इस पर प्रतिबंध ना लगाएं इस मेडिसिन पे, और इसको हमारे देश, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला था कि हमारे देश भेजवाया जाए। तो दवाई का नाम क्या था दोस्तों? वो दवाई का नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या नाम था? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री फाउंड फीमेल टाइगर टू एक्सेस कोविड 19, मतलब किस देश ने ये पाया कि जो वहाँ की जो फीमेल टाइगर है यानी बाघिन है, मादा बाघ है, वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। ठीक है, तो कौन से देश में? तो अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पर पाया गया कि मादा बाघ है वहाँ पर पाया गया कि ये वहाँ पर कोविड 19 संक्रमित पाया गया कोविड 19 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि नेस्कॉम के न्यू चेयरमैन कौन हैं? तो वह हैं युविन परवीन राव। कौन है नेस्कॉम के जो चेयरमैन है वो कौन है? युविन परवीन राव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ जीवन बीमा के नए सीईओ कौन है? तो वह हैं प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज जो हैं वो आपके भारतीय एक्सा जीवन बीमा के नए सीईओ हैं। अब कह रहा है कि विच स्टेट लॉन्च्ड कोविड केयर, कह रहा है कि कोविड केयर लॉन्च कौन किया है, कौन सा राज्य किया है कोविड केयर लॉन्च? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम बता दें आपको, तो पेमा खांडू है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है तो आप ट्रिक से याद रखते हैं कि अरुण का मुखौटा, तो वहाँ का मुखौटा जो है वहाँ लोक नृत्य है। तो दोस्तों आप लोग को ये जो सीएम और गवर्नर का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं, टॉपिक वाइज जीके में उसमें जितने भी स्टेट के सीएम है सब डिस्कस किया गया है, गवर्नर भी डिस्कस किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड 2020 थ्रू फोर्ब्स, कह रहा है कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे अमीर व्यक्ति 2020 में फोर्ब्स की सूची के अनुसार कौन है? तो वह है जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस। अजय बेजोस कौन है? ये अमेजोन के मालिक हैं। ठीक है, क्या है? अमेजोन के मालिक। और दूसरे पे आते हैं बिल गेट्स। कौन आते हैं दोस्तों? बिल गेट्स। और बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये दोनों में हमेशा चलते रहता है कि कभी ये फर्स्ट पे आते हैं जेफ बेजोस, तो कभी सेकंड पे बिल गेट्स रहते हैं, या कभी बिल गेट्स फर्स्ट पे आते हैं तो जेफ बेजोस सेकंड पे चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू IQR हाउ मेनी सिटीज़ टू गेट पॉल्यूटेड इन टॉप 20 सिटीज, कह रहे हैं कि जो विश्व की टॉप 20 शहर है पॉल्यूटेड में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड शहर है वो है आपका महाराष्ट्र और कलकत्ता। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र और कलकत्ता जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। आप लोग को मालूम है कि महाराष्ट्र के हैं अभी उद्धव ठाकरे CM, और कलकत्ता के जो हैं ममता बनर्जी, आप लोग को मालूम होगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि विच स्टेट ओपन्स ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 12, कह रहा है कि क्लास 12 के लिए कौन सा स्टेट ऑनलाइन क्लास जारी किया है, कौन सा स्टेट जो है ऑनलाइन क्लास जारी किया है किसके लिए, क्लास 12 के लिए? तो हरियाणा स्टेट जो है जारी किया है क्लास 12 के लिए ऑनलाइन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि ब्राह्मा कांची बोतला इज ऑन डेथ इज रिलेटेड टू, कर रहा है कि ब्राह्मा कांची बोतला जो है उनका डेथ हुआ है और वो किससे संबंधित थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो वो राइटर थे। क्या थे दोस्त? राइटर, लेखक थे। क्या थे? लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि हु डोनेट $5 million फॉर कोविड 19, कह रहा है कि कोविड 19 के लिए $5 million किसने दान किया? तो $5 million किसने दान किया भाई? तो सार्क ने किया। किसने किया? सार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि आई गॉट लर्निंग लॉन्च फॉर स्ट्रगल कोविड 19, मतलब कोविड 19 से स्ट्रगल करने के लिए किसने आई गॉट लर्निंग जो ये नाम है किसने चालू किया है? तो इंडिया ने चालू किया, भारत ने चालू किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि विच स्टेट वॉज द एक्टर ऑफ बुलेट प्रकाश इज ऑन डेथ, कर रहे हैं कि जो कौन से राज्य के मतलब कौन से राज्य के जो अभिनेता थे एक्टर बुलेट प्रकाश, उनका डेथ हो गया। ठीक है, उनका डेथ हो गया, तो वो कर्नाटक के अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु स्टार्ट्स लाइफलाइन उड़ान, ठीक है मतलब कि कौन है जो लाइफलाइन उड़ान स्टार्ट किया है? तो सिटीजन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन्होंने ये लाइफलाइन उड़ान जो चीज़ है उसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को हमेशा मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ प्रीम मिनिस्टर हजारी लाल रघुवंशी गेटिंग डेथ, मतलब कि हजारी लाल रघुवंशी हैं ये नाम जो है
हजारिया रघुवंशी, ये किस राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनका देहांत हो गया है? तो वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री थे और उनका डेथ हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विच मिनिस्टर स्टार्ट्स भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, कह रहा है कि जो कौन से मिनिस्टर है जो भारत पढ़े ऑनलाइन पोर्टल जो है ये अभियान उन्होंने लॉन्च किया है, कौन शुरू किए हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो भारत पढ़े ऑनलाइन इन्होंने स्टार्ट किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु राइट द आर्ट ऑफ अ डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप, कह रहा है कि ये जो बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप। मिलानिया ट्रंप आप लोग को मालूम होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी डॉटर हैं, बेटी हैं, कौन है, बेटी हैं, ठीक है दोस्तों, डॉटर हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलानिया ट्रंप। उनके लेखक हैं मैरी जॉर्डन, कौन है दोस्तों, मैरी जॉर्डन, और ये अमेरिकन रिपोर्टर भी हैं, क्या हैं, अमेरिकन रिपोर्टर, और इनको पुलिट्जर अवार्ड विनर भी मिल चुका है, ठीक है। इनको क्या मिल चुका है दोस्तों, पुलिट्जर अवार्ड, मतलब कि पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कंट्री ऑफ सिंगर जॉन प्राइम इज गेटिंग डेथ, मतलब कौन से देश के जो गायक थे सिंगर उनका जॉन प्राइम था जो उनका डेथ हो चुका है, कौन से देश के थे? तो वो थे अमेरिका के, ठीक है, कौन थे, अमेरिका के थे, और अमेरिका के ये पॉप सिंगर थे, क्या थे, अमेरिका के ये पॉप सिंगर थे, उनको ग्रैनी अवार्ड भी मिल चुका था, ठीक है, नाम क्या था, जॉन प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि द जीडीपी ऑफ इंडिया 2021 थ्रू यूनाइटेड नेशन, कह रहा है कि जो इंडिया का जीडीपी रहने वाला है 2021 में किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया है यूनाइटेड नेशन, तो उसमें रहने वाला है जीडीपी भारत का 4.8%, ठीक है, परसेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच स्टेट स्टार्ट्स ऑपरेशन शील्ड, मतलब कौन सा राज्य जो है ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया है, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया है कौन सा राज्य, तो वो दिल्ली राज्य जो है ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया है दोस्तों। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डोनेट्स 2.2 बिलियन डॉलर हेल्प्स फॉर कोविड-19, कह रहा है कि कौन जो है वो डोनेट किया है 2.2 बिलियन डॉलर फॉर हेल्प फॉर कोविड-19, कोरोना वायरस से मदद के लिए 2.2 बिलियन डॉलर दान किए हैं, वो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दान किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के लिए 2.2 बिलियन डॉलर ही तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, CRPF जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, CRPF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे, कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन फुटबॉल टीम रैंकिंग, मतलब कि इंडिया का जो रैंकिंग है फुटबॉल टीम में वो कितना है दोस्तों, 108 है, कितना है, 108, फुटबॉल टीम में भारत की रैंकिंग कितनी है, 108 है। कहिएगा तो इस पर एक वीडियो बना देंगे रैंकिंग के ऊपर, जितने भी अभी तक 2020 के इंपॉर्टेंट रैंकिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबका रैंकिंग को एक जगह सेलेक्ट कर उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेन वाज पद्मश्री अवार्ड फाउंड, शांति हीरानंद चावला कह रहे हैं कि जो पद्मश्री अवार्ड है हीरानंद चावला का, जो उनका डेथ हो गया, उनको कब मिला था, ठीक है, कब मिला था हीरानंद चावला जी को, तो 2007 में मिला था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच बैंक लॉन्च डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन, कौन सा बैंक है जो लॉन्च किया है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजन जो है वो लॉन्च किया है, कौन सा बैंक, तो उस लॉन्च किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो मतलब लॉन्च किया है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो बैंक नियमों के तहत डिजिटल बैंकिंग योजना डिसीजन, ये तो आपको कर लिए। नेक्स्ट कहते हैं कि विच कंट्री ऑफ क्रिकेटर जैक डू प्रीज का डेथ, मतलब कौन से कंट्री के जो क्रिकेटर थे जैक डू प्रीज उनका डेथ हो गया है, ठीक है, तो वो थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर, मतलब दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे जैक डू प्रीज, उनका डेथ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग
गुड फ्राइडे डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गुड फ्राइडे डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अप्रैल को। और नेशनल पेट डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर रामकृष्ण द्विवेदी गेट इन डेथ, ठीक है, कह रहे हैं कि कौन से स्टेट के वो गृह मंत्री थे, मतलब ये रामकृष्ण द्विवेदी जी जो हैं वो कौन से स्टेट के गृह मंत्री थे जिनका भी हाल ही में देहांत हुआ है? तो वो थे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, ठीक है, कौन? रामकृष्ण द्विवेदी, जिनका निधन हो गया है। विच बैंक सेफ प्लस ऋण योजना लॉन्च कर रहा है कि किस बैंक ने सेफ प्लस ऋण योजना इन्होंने लॉन्च किया है? तो सिडबी ने लॉन्च किया है सेफ प्लस ऋण योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू वाडा प्ले टुडे, मतलब वादा के अनुसार प्ले टुडे कब मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को हमेशा हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कर्नाटका बैंक के जो MD और CEO हैं वो कौन है? महाबलेश्वर MS, कौन है? महाबलेश्वर MS हैं, जो कि कर्नाटक बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट स्टार्ट फूड बैंक, कौन सा स्टेट है जो कि स्टार्ट किया है फूड बैंक? किस राज्य में स्टार्ट किया गया है खाद्य योजना? तो मणिपुर में स्टार्ट किया गया दोस्तों। कहाँ स्टार्ट किया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिनिस्टर लॉन्च युक्त वेब पोर्टल लॉन्च, ठीक है, मतलब कि किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है युक्त वेब पोर्टल? युक्त वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है युक्त वेब पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विच स्टेशन स्टार्ट सैनिटाइजिंग स्टेशन, मतलब कि वो पहला स्टेशन बन गया सैनिटाइजिंग स्टेशन बन गया था सैनिटाइजिंग स्टेशन, वो कौन सा स्टेशन है दोस्तों? तो वो अहमदाबाद है स्टेशन, ठीक है, वो पहला स्टेशन बन गया जो सैनिटाइजिंग स्टेशन बन गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हुज़ एडेड इन IMF एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप, कह रहा है कि किनको अभी हाल ही में ऐड किया गया है विदेशी समूह के IMF में शामिल किया गया है? किसको? रघुराम राजन को। रघुराम राजन को आप लोग अगर जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं शक्तिकांत दास से पहले, ठीक है दोस्तों। और शक्तिकांत दास के पहले उर्जित पटेल थे, और उर्जित पटेल के भी पहले थे कौन? रघुराम राजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु स्टार्ट्स DD रेट्रो चैनल, मतलब कि आप DD रेट्रो चैनल, ये हिंदी गलत टाइप कर दिया है, जो ये DD रेट्रो चैनल है किसने स्टार्ट किया है? तो प्रसार भारती ने स्टार्ट किया है इसको, DD रेट्रो चैनल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीटर बोनेटी वाज गेटिंग डेथ इज रिलेटेड टू विच गेम, कह रहा है कि पीटर बोनेट गेटिंग जो है उनका निधन हो गया है वो किस गेम से, मतलब किस गेम से रिलेटेड करते थे अपने आप को? पीटर बोनेटी तो फुटबॉल से रिलेटेड थे, किससे रिलेटेड थे? फुटबॉल से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो MD हैं वो हैं वीरू पांच मिश्रा, कौन है? वीरू पांच मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है विच कंट्री इज द बैडेस्ट GDP थ्रू साउथ एशियन इकोनॉमी, करा कि कौन सी देश की सबसे बड़ी जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब सबसे खराब GDP कौन से देश का है? किसके रिपोर्ट के अनुसार? साउथ एशियन इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, साउथ आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 का, 2021 का जो GDP है वो सबसे खराब किसका है? वो है मालदीव का, ठीक है, मालदीव की राजधानी माले होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु स्टार्ट, और इस वीडियो का इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हु स्टार्ट कोविड ज्ञान स्टार्ट कौन किया? TIFR, IISC, TMC, ये स्टार्ट किया कोविड ज्ञान, ठीक है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु वाज गेटिंग डेथ ऑफ प्री अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कह रहे कि भारत के पूर्व के सामान्य जन के लिए क्या होगा, ठीक है, मतलब कि जो पहले जो मतलब कि रह चुके हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनका देहांत हो गया है, तो उनका नाम क्या था? तो वह है अशोक देसाई, हिंदी गलत टाइप कर दिया दोस्त। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि जो अटर्नी जनरल इंडिया का जो अटर्नी जनरल थे, और अटर्नी जनरल आप लोग को मालूम है कि Article 76 में है दोस्तों, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो पूर्व थे उनका देहांत हो गया है, तो वो कौन थे? अशोक देसाई। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा तो,
और कुछ भी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप चलता है, अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर का ग्रुप चलता है, अगर उसमें ज्वाइन होना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था पार्ट वन करंट अफेयर का, 1 से 15 अप्रैल तक, और 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का वीडियो पार्ट टू में आप लोग को मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूँगा, मतलब अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए नए मज़ेदार ट्रिक, नए मज़ेदार सेशन और नए मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।